नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के F11 Pro के बारे में। तो इसका थोड़ा सा हम इस फ़ोन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला, ये जो इंडिया के अंदर जो है ओप्पो F11 Pro जो है, ये आ रहा है अब ड्यूअल स्टोरेज के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो ये पहले हमें 64 GB स्टोरेज के अंदर मिल पा रहा था, ये अभी हमें मिल पा रहा है 128 GB के स्टोरेज में। और जो इसकी प्राइस है वो है भैया 25,990 रुपये, यानी अपने 64 GB वाले वेरिएंट से सिर्फ 1,000 रुपये जो है ये ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगा। और इसके अंदर आपको मिल पाएगा 128 GB का स्टोरेज। तो इस फ़ोन के थोड़े से स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हमें 6 GB का रैम इसके अंदर हमें मिल जाता है। हीलियो P70 का प्रोसेसर इसके अंदर में मिल जाता है। 6.53 इंच की फुल HD नोचलेस डिस्प्ले हमें मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो हमें 48 MP प्लस 5 MP का जो है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है। और 16 MP का टिल्ट पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म हमें इसके अंदर मिल जाता है। इस फ़ोन की यदि बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी हमें मिल जाती है, जो वीहोक 3.0 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन थे। फ़ोन जो है अपने ओप्पो F11 जैसा ही है। F11 जो प्रो है उसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसका जो स्टोरेज है वो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा दे के 128 GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो आप बताइएगा, क्या आप 1,000 रुपये के अंदर और 64 GB स्टोरेज लेना पसंद करेंगे, या फिर 1,000 रुपये कम के अंदर 64 GB स्टोरेज वाला ही ओप्पो F11 आप लेना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से यदि मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 1,000 रुपये ज़्यादा देकर आप 128 GB वाला ले ही लीजिएगा, क्योंकि और ये उन भाइयों के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है जिन्होंने ओप्पो F11 ले लिया है और अब उनको जो है 128 GB स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल हो पा रहा है कि वो अपने फ़ोन के साथ है वह 1,000 रुपये चिपका के जो उसकी मेमोरी तो 64 GB एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी बात है, यदि आप भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी यदि कोई भी हमारे पास आपके लिए टेक्निकल न्यूज होगी, कोई मोबाइल के बारे में होगी, तो हम आपको हमारे आने वाले वीडियो के अंदर बताते रहेंगे, तो आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिएगा। ये था इस फ़ोन के बारे में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।